फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है वाल वाला रेडियो। फ्रेंड्स, ये बनाने के लिए आया है मैंने उनको, ये रेडियो के मतलब रिपेयर करने के लिए आया, तो मैंने उनका अंकल का नंबर दिया। वो बोले कि मैं अंकल का नंबर मत दीजिए, मैकेनिक का अंकल का नंबर मत दीजिए, आप ले प्लीज़ आप उनके पास लेके जाके बनवा के देंगे क्या। तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो उनको पैसे के बारे में नहीं बताया कि क्या क्या इसमें खर्चा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कम खर्चे में बन जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी पैसे में नहीं लगता, मैं आपको यही बताऊँगा। तो इसको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें कैसा है, वाल वाला रेडियो कैसा है। मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं टाइम करूँगा और ज़्यादा बड़ी नहीं वीडियो बनाऊँगा, लास्ट तक वीडियो देखना, नहीं तो आपको वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स, ये वाल वाला रेडियो है, मैं इसको खोलता हूँ, अब देखना इसको कैसे। और दूसरी बात मैं इसको बताता हूँ कौन सी सीरीज़ का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा रेडियो है, मैं इसको अपने बनाने के लेके जाऊंगा अपने मैकेनिक के पास। तो मैंने बोला मेरे पास मत दो, मुझे अभी थोड़ा नहीं टाइम है, तो आप अपने मैकेनिक के पास लेके जाओ। तो अंकल ने बोला नहीं, आप कोशिश कीजिए प्लीज़ बोलने लगे। मैं बोला चलो ठीक है, वो मुझे पहचान दे। तो देख सकते हैं, मैं आपको इसको पेपर को हटा के, बहुत ही अच्छा छोटा सा चीज़ है इसका फ्रेंड्स, मैं इसका पेपर हटा देता हूँ। आज ही आया फ्रेंड्स, तो मैं इसका पेपर बहुत हल्का सा है, मैं नीचे रख देता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड का देख लो, ये देखो इसका दो फ्रंट साइड है, दो बैंड का है फ्रेंड्स ये। हाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, दो बैंड का है फ्रेंड्स। और ये ECDC रेडियो है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें एक पावर ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके जगह पर ये लोगों ने, देखो यहाँ पर ये दिखेगा नहीं, थोड़ा यहाँ पर लेके घुमा देता हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखो ये फ्रेंड्स, ये चला गया ना तो ये मिलना मुश्किल है फ्रेंड्स, ये गया ना तो फ्रेंड्स इसके बदले अपन को पावर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ये मुश्किल से मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। किसके पास भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि यू सीरीज़ का मेरे पास इसके बदले अपन ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। ये हटा के मेरे मैकेनिक ने मुझे बताया, मेरे पास एक ऑलरेडी रेडियो में ऐसे ही मैकेनिक ने लगा के दिया, बहुत ही अच्छे काम करते। मैं इसको आगे लेके दिखाता हूँ, नीचे का भी पार्ट दिखाता हूँ, ये यू सीरीज़ का फ्रेंड्स है, सारे के सारे यू सीरीज़ का है ये फ्रेंड्स, देख सकते हैं यू सीरीज़ का। देखो इसके ऊपर वो अंकल ने टेप भी सब लगा के नंबर वंबर लिख के दिए, कि मैंने उनको समझाया था कभी भी रेडियो लेके जाऊंगे तो ऐसे ही टेप भी लगाना फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही टेप लगाने की कोशिश करना कि कभी वाल मिसिंग ना हो जाए और कहाँ पे गिर ना जाए, और इसके ऊपर वो क्लिप भी लगाए तो गिरने के चांसेस नहीं है। तो मैं ज़्यादा अगर वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, ध्यान से देखना उसके बारे में, बहुत ही अच्छा ये बन जाएगा तुरंत। इसके नीचे का भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे फिल्टर देख सकते हैं, बहुत ही कम है, आई थिंक तीन ही है लग रहे, देख सकते हैं बड़े बड़े, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है, चालू भी हो सकता है। अभी मैं इसको चालू भी करने की कोशिश करूँगा, पर नहीं, मैं थक गया फ्रेंड्स, नहीं तो मैं इसको कोशिश करता था चालू करने का, मतलब चालू मतलब रिपेयर नहीं कर सकता था, पर इसको ऑन करने की कोशिश करता था कि कौन सा वाल वीक है वो पता चलता। और इसमें देख सकते हैं दोनों भी IF लगे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें वो देख सकते हैं, एक में डिब्बी है, एक में डिब्बी नहीं है, तो इसमें उसके लिए मैंने उसको कुछ छेड़छानी नहीं की, मतलब चालू करने की कोशिश नहीं की, बोला इतनी मेहनत पानी में चली जाएगी तो उससे अच्छा अपने मैकेनिक को देता हूँ और वो बना देगा। तो क्या खर्चा आएगा वो मैं वो बाद में बता दूंगा उनको कि कितना खर्चा आएगा इसमें, मेरा हाथ दुखने, तो कितना खर्चा आएगा अभी तो मैं उनको बोल नहीं पाता, इतना खर्चा तो नहीं आएगा, इसमें से कौन सा वाल गया रहेगा वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इसके अंदर ये चीज़ गई फ्रेंड्स तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, 450-350 में ट्रांसफार्मर एक लगाना पड़ेगा, ये वाला समझ गया, ये ज़्यादा करके जाता है यू सीरीज़ के लिए, पावर ट्रांसफार्मर नहीं आता तो ये हटा के पावर ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और कोई तो इसके साथ वायर के साथ किया है, देखो इसका ये यो, इसका ये नहीं है, मतलब पावर वायर नहीं है इसका ओरिजिनल, इसका ये एक्चुअली रेडियो मर्फी रेडियो है फ्रेंड्स, मर्फी दो बैंड का है, बहुत ही अच्छा है मैं ये बोलना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा कंडीशन में भी है, और इसका धागा टूट गया है, वो धागा भी अंकल लगा के देंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ।
नीट है, साफ सुथरा है। इसके स्पीकर के दो वायर है, मैं इसके आगे लेके दिखाता हूँ। और इसके दोनों भी ब्रांड शूज अच्छे है। देखो मैंने इसको ब्रांड शूज चेक किए, कभी भी चेक करने का, कभी भी अपने पास रेडो आएगा तो संभाल के। इसके वाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेडो तो मिल जाएगा मैंने, इसके वाल नहीं मिलते। मेरा एक रेडो ऐसे ही है दो, उसके वाल नहीं मिल रहे, बड़े बड़े वाल है तो अभी तक मेरे वाल रेडियो पड़े। तो कभी भी ऐसे रेडियो आपके पास कभी भी किसको भी मिल गया फ्रेंड्स, तो संभाल के रखना, इसको यूज़ करते रहना। मैं इसका बॉडी का भी वीडियो दिखाऊंगा, ये अभी मेरे पास मैं रिपेयर करने के लिए आया हूँ। मैंने उनका ये, मैं झमेला नहीं पालना चाहता था कि मैं डायरेक्ट मैकेनिक का नंबर दिया तो मैकेनिक क्या बताएगा, खर्चा बताएगा, डायरेक्ट उनसे बताएगा। वो बोला मेरे को कितना भी प्राइस होने दो, नो प्रॉब्लम, आप लेके जाओ, मैं आपको जानता हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे तो मैं लेके जाता हूँ। अभी मैं आगे लेके कैमरे से सब आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, तो बाद में देख लेते। अभी मैंने इसको आगे लेके कैमरे से सब बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अंकल ने बहुत ही अच्छा काम किया कि आप देख सकते हैं, नंबर वन पे ये वाला वाती वन UBC81, ये देख सकते UZ85, ये नंबर का वाल, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, ये टोटल 5 वाल है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, देखो इसका गैंग है फ्रेंड्स, ये वो थोड़ा धागे से जाम हो गया तो इसमें करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे देखो ये जाएगा फ्रेंड्स, मुझे ऐसे डाउट है, मेरे मैकेनिक ये एक बदली कर देंगे और ये एक बदली कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम रहेगा। मैं एक बार इसको चालू करने के चक्कर में था, पर मैं बोला जाने दो। आप देख सकते हैं ये दोनों, ये ऑन ऑफ का बटन है, देखो आवाज़ आ गया, बहुत ही अच्छा है, ये ट्यूनिंग का है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको आगे से निकाल देता हूँ, ये देखो, ये इसके बदले मैं बोल रहा हूँ ना, ये गया किसके पास भी नया हो, 5 पिन का 2 पिन का, कितने ओम्स का आता है उस पर डिपेंड होता है, तो उसके हिसाब से अपन को ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा, पावर ट्रांसफार्मर। मेरे मैकेनिक ने मुझे समझाया तो नहीं मिलता है तो पावर ट्रांसफार्मर लगाने से हो जाता है। यहाँ पे देखो ये है, बहुत ही अच्छा है। देखो ये दोनों स्पीकर की वायर है, यहाँ पे ट्यूनिंग का है, यू सीरीज़ का। फ्रेंड्स कभी भी यू सीरीज़ का लेंगे तो संभाल के, इसको करंट आता है, हमेशा ध्यान रखना, इसकी पिन की लेफ्ट राइट देखना, तभी टेस्टर से चेक करके करना, नहीं तो इसमें करंट आ जाता है तो शॉक लग सकता है। अब मैं वो ये बोलना चाहता हूँ, देखो ये IF की ये डिब्बी, मतलब एल्यूमिनियम की डिब्बी होती है, वो नहीं खाली है, एक में है, आपको दिख रहा है। उसके लिए मैंने बोला कुछ मैं करके टाइम पास करने से अच्छा अपने मैकेनिक को ही देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें कर देगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो अभी मैं इसको लेके जाऊँगा कल अपने मैकेनिक के पास, वो कर देंगे कुछ अच्छा है, आप भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, मैं अभी इसका नीचे का दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इसका पावर ओरिजिनल पावर वायर भी नहीं है फ्रेंड्स, इसके नीचे का दिखा देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा काम करने जैसा नहीं, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मैकेनिक को ही पता रहेगा। आप देख सकते हैं, 1, 2 ही बदली करने पड़ेंगे और 3, तो मैं क्या ज़्यादा इसमें मुझे तो कुछ लग रहा नहीं, इसको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। देखो ये बोला ना मैंने, ये शायद चालू रहेगा, अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये देखो इसका कॉइल है, ये मीडियम वे का आई थिंक कॉइल होएगा, दिख रहा है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है। इसका थ्रेड निकल गया है, आपको दिख रहा है, तो उसको लगाना पड़ेगा, वो अंकल मेरे लगा देते,
बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं आपको उसको चाहिए तो मैं नंबर देता हूँ, हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि अंकल का आप नंबर नहीं देते। फ्रेंड्स मैं आप उन आपके कमेंट बॉक्स में आप नंबर आपका दीजिए, मेरे अंकल मैकेनिक अंकल भी देखते हैं कि कोई कोई कितना मैसेज किया तो वो भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, डरिए मत। मैं उनको आपका नंबर देता हूँ, वो कभी कॉल करेंगे वो नहीं बता सकता, पर आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं उनको पूछता भी कि ये बंदे ने नंबर दिया है, वो बंदे ने नंबर दिया है, तो मैं स्टैंड कर लेता उसको। तो देख लिया, मैं इसको आगे लेके कैमरा दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने इसको आगे लेके आया हूँ, अभी इसके बाद बनने के बाद मैं ये दिखा दूंगा कि कैसे अंकल ने काम किया, उनके पास रिपेयर कैसे हुआ वो भी बता दूंगा। बहुत ही अच्छा है, चार वाल लगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 वाल है टोटल, और मर्फी रेडियो है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है मर्फी रेडियो। और यू सीरीज़ का तो मैं ये मेरे नॉलेज से और मेरे मतलब रेडियो बाय करने से मुझे यू सीरीज़ वाला रेडियो बहुत ही पसंद है, क्यों धीरे धीरे गर्म होता है, एक बार गर्म होने के बाद बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है उसका, मुझे ऐसा लगता है। कोई कोई अपनी अपनी राय होती, पर मैं अपनी राय बताना कि यू सीरीज़ का रेडियो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी ऐसे कभी भी रेडियो बाय करोगे तो संभाल के बाय करना, उसके चारों वाल है क्या नहीं और IFT है क्या नहीं है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, IFT जल्दी मिलता नहीं। और ये वाले बॉक्स वाले तो मेरे पास है क्या नहीं है, तो मेरा एक मैकेनिक है वो बना देता है IFT, वो कर देगा जुगाड़, मेरे को पता है हर रेडियो वो बना देता है। अभी तक कौन सी चीज़ नहीं बोली कि उसने नहीं बनेगी, वो बना देता है अंकल, मैं उन पर बहुत खुश हूँ। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और मुझे बोलना कि यू सीरीज़ का रेडियो हमारे पास भी है, तो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना। मैं वीडियो यही स्टॉप करें तो वीडियो बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, और मैं वीडियो यही स्टॉप करता हूँ। बाय फ्रेंड्स।